खबरों में बने रहने के लिए अपना डॉट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं मनन गोस्वामी और आप देख रहे हैं अपना लाइव डॉट न्यूज। दोस्तों, आज चुनाव यात्रा के क्रम में हम पहुंच चुके हैं मोतिहारी में गांधी स्मारक के पास, और ये देख रहे हैं जो गांधी जी यहां पे हैं, गांधी स्मारक है और यहां का सबसे व्यस्ततम चौराहा है गांधी स्मारक चौक। और इधर जो है, इधर आप पीछे में देखेंगे, इधर में मीना बाजार है, जहाँ कहा जाता है कि यहाँ के मार्केट में करोड़ों का व्यापार होता है। और यहाँ की पब्लिक से हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर में 2019 में यहाँ किसकी सरकार है और लोग किसको चाह रहे हैं। जी बताना चाहेंगे आप 2019 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं इस बार? मोदी सरकार। मोदी सरकार, कांग्रेस सरकार नहीं देखना चाहते हैं? क्या लगता है, मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है? बहुत अच्छा काम किया, एक चांस और उनको मौका देना चाहिए। चलिए मोदी सरकार आपको। चलिए हम इधर मार्केट में आप लोगों को लिए चलते हैं। इधर सबसे व्यस्ततम मार्केट है मीना मार्केट, और यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ की जनता से, इधर से यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे आखिर में यहाँ की जनता किसकी सरकार 2019 में देखना चाहते हैं। जी भाई साहब, आप बताइए किसकी सरकार देखना चाहते हैं? कांग्रेस की एकदम नहीं देखना चाहते हैं? क्या लगता है कि बीजेपी बहुत अच्छा काम किया पिछले 5 सालों में? बहुत अच्छा काम किया राहुल गांधी। आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी आएंगे तो अच्छा काम करेंगे? नहीं नहीं, चोर है वो। जी क्या कह रहे थे? चोर है राहुल गांधी, अच्छा काम नहीं करेंगे, चोर है। उन्होंने बताया है कि हम आएंगे तो युवाओं को 72,000 रुपया देंगे। जिसका पूरा खानदान चोर है वो क्या देगा? नहीं देंगे। नहीं, हम लोग को नरेंद्र मोदी चाहिए। इस बार भी नरेंद्र मोदी चाहिए? इस बार भी नहीं, जब हो तो नरेंद्र मोदी चाहिए। जब हो, जब भी चुनाव हो, जब भी प्रधानमंत्री के रूप में आप नरेंद्र मोदी को देखना चाह रहे हैं? जी नरेंद्र मोदी। जी यहाँ कुछ लोग खड़े हैं। जी आप आइए, इधर आइए, आप बताइए किसकी सरकार आप लोग देखना चाह रहे हैं? मोदी मोदी मोदी, सिर्फ मोदी। करप्शन को दूर करने वाला सिर्फ मोदी ही है, नया भारत को न्यू रखने वाला सिर्फ मोदी है, और मोदी के अलावा हमको नहीं लग रहा है कि दूसरा। नहीं लगता है कि नया भारत राहुल गांधी भी बना सकते हैं? ऐसा आज तक 60 साल का जो उन्होंने राज किया, आज तक ये नहीं हुआ है। ऐसा जो ये नहीं हुआ, नहीं, जो ये मोदी ही कर सकता है। और आपसे अगर हम ये जानना चाहेंगे कि मोदी सरकार ने पिछले 5 सालों में कौन ऐसा काम किया कि आप मोदी के प्रति इतना प्यार आपको उमड़ रहा है? अभी देखिए, अभी हाल में एयर स्ट्राइक हुआ, ये सबसे बड़ा बात हुआ। करप्शन को दूर करने के लिए, काला धन को नहीं लाने के लिए ये नोटबंदी हुआ। अभी आप देखिए कि आपको नहीं लगता नोटबंदी हुआ तो जनता को तबाही हुई, परेशानी हुई? अरे कोई भी नया काम होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता ही है। प्रॉब्लम होता है तो मतलब प्रॉब्लम झेलने के लिए तैयार है, लेकिन इस बार मोदी सरकार मोदी ही चाहिए। जी भाई साहब, आप फिर से मोदी सरकार। मोदी सरकार, हम लोग को मोदी के सिवा कोई नहीं चाहिए। मोदी मोदी, जहां भी कोई भी प्रत्याशी हो, लेकिन हम लोग मोदी को ही वोट देंगे, मोदी के नाम पर वोट देंगे। मोदी सरकार चाहिए देश के लिए, मोदी सरकार जरूरी है, उन्हीं के हाथ में ही देश मजबूत होगा। बाकी राहुल गांधी से कुछ होने वाला नहीं है, इतना सब टोटल फेकू लोग एक साथ हो गए हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। सब चोर एक जगह हो गए हैं, लेकिन एक मोदी क्यों है? क्यों पूरा मोदी 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 चिल्ला रहा सब? यहाँ की अगर हम स्थानीय उम्मीदवार की बात करें, राधा मोहन सिंह हैं और आकाश सिंह, उनके बारे में आपका क्या? हमको राधा मोहन सिंह से मतलब नहीं है। हाँ। और ना आकाश सिंह से मतलब है, हमको मोदी मोदी मोदी, जहाँ भी खड़े हैं मोदी खड़ा है। मतलब कैंडिडेट का चेहरा आप लोग नहीं देख रहे हैं, सिर्फ मोदी मोदी। इधर सर, कांग्रेस के सरकार में हम लोग यहाँ देखिए 3 रुपया कौड़ी लगता था। अच्छा ठीक, आज हम लोग 10 रुपया दे रहे हैं। हाँ। ये मोदी के सरकार में तो बढ़ी है ना ये है? हाँ बढ़ी है, एकदम बढ़ी है। जो कांग्रेस की सरकार में 2 रुपया लग रहा था, आज ये मोदी के सरकार में 10 रुपया लग रहा है। ठीक है, और आज हम लोग को मटिया तेल मिलता था, वो भी बंद हो गया। तो आपको लगता है इस बार राहुल गांधी को आना चाहिए? राहुल गांधी आएगा, वही काम करेगा। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी आएगी, राहुल गांधी आएगी, सोनिया गांधी आएगी, एकदम एकदम। आपको लगता है? एकदम एकदम, क्योंकि मोदी के राज में ये महंगाई बढ़ गया, मोदी के राज में महंगाई बढ़ गया, बढ़ गया। दुकानदार लोग परेशान, आगे भी चल गए, आगे जाए। हम इधर मार्केट में आप लोग को अंदर हम लेके चलते हैं, यहाँ के यहाँ से हम डायरेक्ट जाने के। जी
आप ये बताइए कि दुकानदार लोगों पे असर पड़ी है क्या मोदी सरकार आने से? हाँ बोलिए। नहीं, मोदी सरकार से कोई ऐसी नहीं है कोई। आपको लगता है कि इस बार भी मोदी सरकार को मौका मिलना चाहिए? हाँ अच्छा है, आ जाए फिर मोदी सरकार का। सर राहुल गांधी को नहीं देखना चाह रहे हैं? दोनों आदमी को देखना चाहते हैं। तो आप तो एक आदमी को चुनना होगा ना, आप राहुल गांधी को सरकार में लाना चाहते हैं या मोदी सरकार लाना चाहते हैं? जो अच्छा ही अथी होगा वो। आपके हिसाब से कौन अच्छा है? मोदी ही अच्छा। मोदी ही अच्छा है जी। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, GST लाने से कुछ दुकानदारों को प्रॉब्लम हुई है इसमें। इसमें समझ लीजिए कि हम लोग छोटे मोटे दुकानदार हैं, जितने छोटे मोटे दुकानदार लोगों को प्रॉब्लम हुई है। GST लाने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है दुकानदार। तो इस परिस्थिति में आप क्या सोचना चाहेंगे कि फिर मोदी को मौका देंगे या जो जैसे एक भाई उधर थे बता रहे थे? नहीं, तो मोदी को तो मौका देना चाहिए। मोदी को मौका देना चाहिए। आपको लगता है कि युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है? बेटर है। बेरोजगारी दूर हुई है? नहीं, बेरोजगारी तो दूर नहीं हुई है। दूर नहीं, बेरोजगारी दूर नहीं है। देश की सुरक्षा के लिए कहिएगा तो थोड़ा सा ध्यान दिए हैं। देश की सुरक्षा के लिए स्ट्राइक हुआ, मानिए कि इसके बाद एक और स्ट्राइक हुआ था, इस सब पे थोड़ा असर तो किया है। मतलब वर्ल्ड लेवल पे गया है। हाँ। वर्ल्ड लेवल पे भारत का जो मतलब नाम है, भारत का नाम विदेशों में नाम के उस हिसाब से, युवाओं के लिए कुछ नहीं, युवाओं के लिए नौकरी वाले कुछ ही है। जी, कुछ कहना चाहेंगे? किसकी सरकार इस बार आप देखना चाह रहे हैं? भारत सरकार में मोदी सरकार होना चाहिए। देश के चिंतन, देश का शक्तिशाली बनाने का जो काम किया है वो शायद 70 वर्ष में नहीं किया किसी ने, कांग्रेस ने नहीं किया, नहीं किया है। हाँ। विकृति पैदा किया है, जात पात के नाम पर लोगों को बांटा है। हाँ। लोगों को जहर पिलाया है, लोगों को हिंदू मुसलमान जात पात बांट कर लोगों को टकराया है, वोट लिया है, यही किया है कांग्रेस। और आपको ऐसा नहीं लगता है कि BJP भी जात पात बांटने की? नहीं, ऐसा कभी नहीं रहा है। वो सारा राष्ट्रवाद, 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 देशवाद। नहीं, ऐसा ऐसा भी तो हुआ है, ऐसा भी तो हुआ है। मोदी जी ने मंदिर के नाम पे भी वोट लिया है आप लोग? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। BJP वाले बोलते हैं जी, आप BJP माइंडेड वाले कि कांग्रेस ने 70 साल से क्या किया, जबकि मेरा आजाद देश हुआ था, एक सुई का फैक्ट्री नहीं था। आज जितना हुआ यस 3 साल में चाहे 5 साल में इन्होंने क्या किया? मेरा जितना सैनिक 10 साल में नहीं मराया, जितना अब इनका 5 साल में मेरा सैनिक मराया किसी बहाना से। आपको लगता है कि अपनी पहचान बनाने के लिए सब किया जा रहा है? यस, ये अपना कोई विकास हुआ? कोई भी विकास हुआ? मेरा अपने क्षेत्र मोतिहारी क्षेत्र का कोई भी कुछ क्षेत्र विकास हुआ? मोतिहारी क्षेत्र का कोई विकास है? यहाँ की लोकल उम्मीदवार के बारे में अगर या कोई विकास है? बेरोजगारी कितना बढ़ गया, महंगाई कितना बढ़ गया? आप सब राधा मोहन सिंह को आप लोग चौथे टर्म आप लोग जीता है, बताइए। एक चीनी मिल जब किसी मंत्री अपन नहीं खोले, तो क्या वादा किए थे? मोदी जी वादा किया था 15 लाख देंगे बेरोजगारी, हर साल 1.5 लाख आप लोग नौकरी देंगे, कहाँ वादा गया? वादा जो किए वो नहीं किए। तो इस बार आप किसकी सरकार आप देखना? आप देखिए, मेरा का नाम है जो विकास करेगा उसी के साथ होंगे। कौन विकास करेगा? मोदी जी को आप देख लिए, इस बार किसको देखेंगे? अभी हम लोकल हमको देखेंगे यहाँ का। हमको देखिए, हमको तो लोकल से काम है। अगर मोतिहारी के अंदर कोई अच्छा काम करेगा उसी को हम वोट देंगे। राधा मोहन सिंह अच्छा काम किए हैं? नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है। तो इस बार आकाश सिंह जो RLSP के उम्मीदवार हैं उनको जो भी हम लोग देखेंगे, जो भी हमारा काम, महागठबंधन, महागठबंधन, इस बार मौका राहुल को देना चाहिए। चलिए, इधर कुछ युवा लोग हैं कि 70 साल जो कांग्रेस ने राज किया है तो 70 साल BJP को भी मौका दिया जाए, तब दोनों आदमी का तुलना होगा कि कौन अच्छा काम किया है, उसके बाद फैसला होगा। नहीं तो अब समय नहीं है। देखिए, अब पहले के लोग जो थे पहले उतना विकसित नहीं, अब हर लोग जानते हैं, हर एक न्यूज कुछ भी हो जाए मोतिहारी में आपके पास रहता है। तो उसके हिसाब से भारत की जो इकोनॉमिक्स, मतलब आपको लगता है कि मोदी सरकार को इस बार मौका देना चाहिए, अच्छा काम किया? फिर एक और मौका देना चाहिए कि जो भी काम वो कर रहे हैं उसको। राहुल गांधी कहे कि 70,000 रुपया देंगे युवाओं को अगर मेरी सरकार बनती है तो। 72,000 देखिए, 72,000 वो देने का लालच है, कोई बॉन्ड पेपर पर लिख के दे नहीं रहे हैं कि देंगे ही, अगर देगी भी तो इतनी महंगाई बढ़ेगी कि उस 72,000 नहीं 2 लाख के भी दे दे तो शायद, मतलब उन पे विश्वास नहीं करके आपको मोदी को। हाँ, कोई विश्वास, मोदी सरकार बननी चाहिए। जी जी जी, क्या कह रहे थे आप, कुछ कह रहे थे? किसकी सरकार आप देखना चाह रहे हैं? राहुल की, राहुल गांधी की। आपको लगता है कि पिछले 5 सालों में मोदी ने कोई काम नहीं किया, वैसा कोई विकास नहीं किया? हम कमा खा रहे थे, 300-400 रुपया कमा खा रहे थे, जब से GST हावी जावी लगा तब से हम लोग को रोजी रोटी खत्म। GST लगने से छोटे व्यापारी लोगों को ज्यादा तकलीफ हुई है, दुख के
हो रहे हैं। नोटबंदी से भी हुई बहुत, नोटबंदी से तो जान गई है, नोटबंदी से भी टूट पड़े आप लोग। इसलिए राहुल गांधी को ही चाहेंगे हमारे युवा नेता फिर से एक बार राहुल को मौका देना चाहिए। चलिए इधर हम मीना मार्केट में है, मोतिहारी में, मीना मार्केट में और मीना बाजार, और आप यहाँ के छोटे छोटे दुकानदारों से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या मोदी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में अच्छा काम किया, उनको मौका देंगे आप। सबसे GST जब लगा है तो व्यवसाय पूरे चौपट हो गई है, ठीक है। मेरा पैसा और मैं बाहर जा रहा हूँ तो मेरा माल नहीं आ रहा, क्या मैं स्मगलिंग कर रहा हूँ क्या कि मेरा माल नहीं आ रहा बिना GST का। मैं 10 रुपये का रोजगार करता हूँ और वहाँ से 20,000-25,000 का माल ले आएंगे तो GST लगेगा, हम वो जो है GST लगा करके वहाँ देता है तो हम कितने में बेचेंगे माल कि हम कस्टमर को देंगे। तो GST जब से लगा है तो व्यवसाय पूरे चौपट हो गई है और मोदी सरकार जो है पूरे इंडिया में जो है सो पूरा हर चीज़ को चौपट कर दिया, व्यवसाय से लेकर के और महंगाई से लेकर। तो इस बार कांग्रेस की सरकार, हम की बार तो एकदम श्योर है कि कांग्रेस की सरकार आना है। और ये हमारे PM साहब ने बोले थे कि हाँ मोतिहारी के चीनी मिल हमने चालू करवाएंगे और मोतिहारी में फिर चीनी में चीनी का चाय हम पी करके यहाँ जाएंगे और बहुत सारे वादे किए, सारे वादे 15 लाख रुपए डालेंगे, ये करेंगे, काला धन लाएंगे। स्मृति ईरानी जो है कह रही है का पिछली जो सरकार थी ये आनंद मोहन इनकी सरकार थे मनमोहन की सरकार में वो गैस के सिलेंडर महंगे हो गई थी तो वो चूड़िया अपने दी थी है ना, और इस बार वादा कर रहे हैं कि मैं चीनी 17 रुपये मैं देंगे वादा कर रहे हैं। वो वादा पर लुभाने की काम ये BJP सरकार करती है, लुभा करके आवाम को जो है ना और किसान को ठगने की काम करती है। राहुल को मौका, राहुल को हम की बार हर जनता मौका देगी और उनको मौका देगी, एकदम श्योर है कि वो सब महंगाई दूर हो जाएगा, GST भी कम हो जाएगी, सब हर चीज में। जी दोस्तों देख रहे हैं यहाँ के छोटे व्यवसायी वर्ग बहुत दुखी हैं और सब लोग चाह रहे हैं, GST से बहुत परेशानी हुई है और यहाँ कुछ लोग हैं हम जानने की कोशिश करेंगे एक एक करके इधर लोगों से। जी आप लोग के हिसाब से किसकी सरकार इस बार? मोदी की सरकार आनी चाहिए, मोदी की सरकार आनी चाहिए। आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी यंग है और वो आएंगे तो अच्छा बेहतर मोदी से काम करेंगे? मतलब मोदी की रीजन में वर्ल्ड लेवल पे जो है ना भारत के छवि जो है मजबूत हुआ है, वर्ल्ड लेवल पे छवि मजबूत हुआ है। लेकिन अगर लोकल कहा जाए तो राधामोहन सिंह कोई काम नहीं किया, राधामोहन सिंह कोई काम नहीं। मतलब आप वोटिंग भी करना चाहेंगे तो केवल मोदी का चेहरा देखकर। अगर लोकल में आएगा तो राधामोहन सिंह कोई काम नहीं किए हैं, उनका अगर चला जाए तो मोदी पे भरोसा है युवाओं को आने वाले अगले 5 साल एक बार और मौका देना चाहिए, फिर 100% एक बार और चांस देना चाहिए। यहाँ मोदी सरकार के लिए आम जनमानस में, क्योंकि मोदी सरकार में विल पावर लेने की ताकत है, डिसीजन पावर। क्योंकि जो पाकिस्तान में 40 जो सेना के साथ दुर्घटना हुई वह मोदी जी ही जैसे प्रधानमंत्री थे कि उन्होंने जो है क्विक डिसीजन लिया और सबक सिखाया। जहाँ तक बात है किसान से संबंधित, तो मोदी सरकार में जो है किसानों को कुछ ना कुछ लाभ आया है, डीजल अनुदान से आया है या किसान को इंश्योरेंस हुआ है उससे लाभ आया है, लोहिया स्वच्छता कार्यक्रम के तहत शौचालय का रुपया आया है। अब रही बात यहाँ की शुगर फैक्ट्री, लेकिन जो जो वादा किए थे मोदी जी वो सब तो नहीं किए, वादा किए थे बताते हैं, वादा किए थे कि राम मंदिर हम बनवाएंगे, काला धन लाएंगे, आप लोग को अकाउंट में पैसा देंगे, वह मामला तो गैस महंगाई हो गया, हर कुछ बड़ा है। एक भाई उधर दिखा रहे थे, फिर भी किस मुद्दा पे आप लोग देना चाह रहे हैं? धीरे धीरे करेंगे ना। 70 सालों में कांग्रेस क्या की? कुछ नहीं की। और मोदी जी देखिए आज 50 घंटे में जो मोदी जी है, जो अभिनंदन को पाकिस्तान छोड़ दिया, कुछ ना कुछ तो है 56 इंच के सीने में। अच्छा, और 70 साल के अंदर में क्या हुआ? सरबजीत का मरा हुआ शरीर आया, सौरभ कालिया का आया, आज पाकिस्तान जो है मोदी जी के नाम से थर थर कांपता है, कैसे कुछ नहीं हुआ? तो मतलब इस बार नहीं, हम तो कैसे कुछ नहीं हुआ नहीं बोल रहे थे, हम जो कमिटमेंट किए थे उसके बारे में। धीरे सब कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। 70 सालों में जो कांग्रेस नहीं की, आज मोदी जी को बोले 4 साल में करने के लिए, 5 साल में करने के लिए, आप बताइए हो सकता है क्या? नहीं, 5 साल में हो सकता है क्या? सब करेंगे, राम मंदिर भी बनेगा और वहाँ आरती भी होगा और सब लोग देखेंगे। मतलब एक बार और उनको उनपे भरोसा बिल्कुल देना चाहिए, राहुल पे कुछ भरोसा नहीं है। क्या कर पाएंगे वो क्या वो पंचायत का चुनाव नहीं जीत पाएंगे, जिनको बोलने का ढंग नहीं, वो क्या जीत प्रधानमंत्री का उनको बनाएंगे हम लोग? राहुल गांधी को एकदम बिल्कुल नहीं। आप बताइए किसकी सरकार 2019 में देखना चाह रहे हैं? 2019 में देखने चाह रहा है मोदी सरकार मोदी सरकार मोदी सरकार व्यवसायी वर्ग मतलब ठीक हुआ है पहले से
पहले से बहुत खुशहाल है। जीएसटी नोटबंदी सब सब कोई परेशानी नहीं हुआ? कोई परेशानी नहीं है, एकदम खुशहाल है। आपको लगता है कि मतलब इस बार भी मोदी सरकार कौन सा ऐसा काम जो आपको सबसे अच्छा लगा मोदी सरकार का? बहुत काम कर दिया, सेफ्टी बनवा दिया, मानतनी बहुत तरह से काम। शौचालय निर्माण? हाँ, शौचालय निर्माण। व्यवसायी वर्ग है मीना मार्केट, मीना बाजार मोतिहारी में हम लोग छोटे छोटे व्यवसायी वर्ग है और यहाँ के लोगों की राय बहुत जरूरी है। जी, आपके अनुसार 2019 में किसकी सरकार? मोदी सरकार। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी उनसे ज्यादा यंग है, आएंगे तो अच्छा काम? वो तो बउआ है, पप्पू है। मतलब आपको 72,000 रुपया नहीं चाहिए? नहीं, 72,000 नहीं चाहिए हमको, मोदी सरकार चाहिए। मोदी सरकार। मोदी का काम आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा। इस बार भी मौका देना चाह रहे हैं? एकदम, मोदी सरकार रहबे करेगा, मोदी सरकार ही रहेगा। हाँ। चलिए इधर हम चलते हैं, बाकी लोगों से मिलवाते चलते हैं। अब की बार फिर से मोदी सरकार ही आना चाहिए। देखिए, सारे लोग बोल रहे हैं चौकीदार चोर है, तो सही में चौकीदार चोर है। बहुत सारे लाखों घरों में वो शौचालय दिए, वहाँ से गंदगियाँ को चोरी की, हजारों घरों में। अच्छा, आपके अनुसार जो चौकीदार चोर है, हजारों घरों में उन्होंने बिजली दिया, अंधेरा को चोरी किया। उसके बाद से बहुत सारे घर में सिलेंडर को दिया, हमारे गरीब बहू बेटी के आंखों से धुएं को चोरी किया। अब इससे बड़ा चोर क्या चाहिए? चलिए, मतलब इस बार फिर मोदी सरकार। और राहुल गांधी की अगर बात करें तो वो बेकार है। जिसे कुछ बोलना ही आता नहीं वो क्या सरकार चलाएगा? पहले तो उसको गाड़ी चलाना, घोड़ा चलाना सीखना चाहिए। चलिए, यहाँ के लोकल कैंडिडेट के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ के अच्छा काम किए हैं के बारे में देखें तो फिर से वही, हमारी तो मजबूरी है राधा मोहन सिंह को फिर वोट देना, क्योंकि मोदी सरकार के यहाँ पे, मोदी सरकार ने यहाँ पे इससे पहले भी थे, आए थे ये आकाश सिंह के जो पिता थे, अखिलेश सिंह, वो जीते तो फिर दोबारा हमारे मोतिहारी में आए नहीं। और बाप का तो पता नहीं, तो बेटा का क्या, फिर आएगा या नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं। मतलब मोदी सरकार इस बार। चलिए दोस्त, आप किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? कांग्रेस का, जो काम करेगा ना उसी का हम लोग सरकार। कौन काम करेगा? आप मोदी का काम देख चुके हैं? मोदी का भी तो हम लोगों ने काम देख चुका है। नहीं, जो अच्छा ये करेगा उसी को हम लोगों ने सरकार बनाएगा। तो मतलब इस बार फिर मोदी सरकार का काम, मोदी का वही पसंद करें, उन्हीं का सरकार बनना चाहिए? नहीं, ये हम नहीं कर रहे हैं। मोदी सरकार हो या नीतीश का सरकार, हम ये जानना चाह रहे हैं सीधे तौर पर आपके हिसाब से कि कौन सबसे अच्छा काम, 5 साल आप मोदी को देखे हैं, 5 साल मोदी आपको अच्छा काम करके दिखाए हैं? हाँ, तो अभी इन्हीं को हम लोगों ने सबसे अच्छा काम मोदी जी किए हैं। कौन सा काम आपको अच्छा लगा? जैसे शौचालय बनवाए हैं, जैसे मान लिए कि बिजली गांव-गांव में नल दिए हैं, हम लोग का तो देखने में अच्छा लगते हैं मोदी। आपको लगता है कि आगे भी 5 साल उन्हीं को मौका देना चाहिए? जी, हम लोग देंगे। कांग्रेस को नहीं, हम लोग कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस को नहीं देंगे। चलिए इधर हम, मोदी सरकार आपको लगता है कि इस बार मोदी सरकार को ही मौका देना चाहिए? राहुल को एक बार और देना चाहिए। उन्होंने काला धन नहीं लाया, 15 लाख रुपया नहीं लाया, राम मंदिर नहीं बनवाया, फिर भी तो 60-70 साल में जो हुआ है वो 5 साल में नहीं ना होगा, धीरे धीरे काम होगा। हाँ, काम तो होगा। भरोसा है, पूर्ण भरोसा है। चलिए जी, कांग्रेस पार्टी जिंदा है। जी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का वोट दिलाएगा, कांग्रेस का वोट दिलाएगा। चलिए, बच्चा लोग को भी देख रहे हैं इधर, बार 2019 में किसकी सरकार होना चाहिए आपको? जो है कि अब कांग्रेस का होना चाहिए। जी, मोदी सरकार ने पिछले 5 सालों में कोई अच्छा काम नहीं किया। ये दंगाई पार्टी है, आपस में तोड़ फोड़ करने का काम करता है, जातियाता करता है, हमारे देश को बंटवारा करता है। एक नंबर में हम जो है मुसलमान चाहते हैं कि राम मंदिर बने, और ये राम मंदिर जो है ये नहीं बनवा रहे हैं, तो हम लोग का बहुत दर्द है। राम मंदिर बन जाएगा तो हम लोगों के लिए बहुत, मुसलमानों के बहुत बड़ी खुशी की बात। चाहते हैं राम मंदिर? जी, राम मंदिर बने, बिल्कुल हम लोग सहयोग देंगे, वहाँ पर जान माल वक्त 3 चीज देंगे। मुसलमान जो है राम मंदिर के लिए जान भी देंगे, माल भी देंगे, वक्त भी लगाएंगे। तो आपको लगता है कि ये मुद्दा जानबूझ के फंसाया? हाँ, भाजपा जो है उसी के मुद्दा पर वो अपना सरकार जो है कि वहाँ पर कुर्सी पर बैठना चाहता है, वो जो है उससे नहीं होगा। तो इस बार राहुल गांधी को आप मौका? जी, राहुल गांधी जो है कि वहाँ मौका दिया जा रहा है, अब उससे मौका तो देना ही पड़ेगा। राहुल गांधी को मौका दिया जी, मोदी अच्छा काम नहीं किए हैं? किए हैं हम लोग को। इस बार राहुल गांधी को मौका दिया जाए, तो इसलिए
लिए जो है हम लोग जो है मौका भी दिया गया है, वो हमको सबसे बड़ा दर्द है, राम मंदिर नहीं बनवाया है, इसलिए एक नंबर पर जो है हम उस सरकार को नहीं पसंद करते हैं। कांग्रेस आएगी तो हमारा राम मंदिर का जो है मसला जो है, अब बाबरी मस्जिद का मसला सलट जाएगा। दूर हो, लड़का लोग फालतू घूम रहा है। किसकी सरकार आएगी तो बेरोजगारी दूर होगी? हमारे ख्याल से फर्स्ट प्रेफरेंस तो कांग्रेस को ही देना चाहिए। कांग्रेस को किसी ने ही वादा किया है बेरोजगारी के लिए, बाकी तो राष्ट्रवादी पर चल रहे हैं। अभी होना चाहिए, हम लोग किसान का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुख्य मुद्दा है। आपके हिसाब से पिछले 5 सालों में मोदी सरकार ने कोई अच्छा काम किया कि कुछ नहीं? ओनली फॉर पब्लिसिटी, केवल बात और कुछ नहीं। इस बार लग रहा है कि राहुल सरकार आएंगे तो अच्छा काम। हम लोग बिजनेसमैन भी तो परेशान है, बिजनेसमैन भी जीएसटी परेशान, काफी परेशानी है जीएसटी से, नोटबंदी 100 संशोधन हुआ जीएसटी में, फर्स्टे एक ही प्रोग्राम निकालता है, एक ही बार में जीएसटी लेता सबसे, 10 तरह का जीएसटी कर करके हम लोगों को तो बहुत बर्बाद किया, कंपाउंड स्कीम में तो हम लोगों को तो बर्बाद कर दिया। इस बार राहुल गांधी को मौका दिया जाए, मिलना ही चाहिए, नया है। 60 साल में जितना कांग्रेस बर्बाद नहीं किया उतना 5 साल में बीजेपी सरकार ने बर्बाद किया। बीजेपी और कोई भी इंडिया में कोई ऐसा ढंग का काम नहीं हुआ है, बस ठगने का काम और बस फेंकने का काम, उससे ज्यादा नहीं, बस सिर्फ फेंकने का काम, फेंकने का काम हुआ, कोई काम नहीं। देखो फेंकती है, देखा लड़का जवान सब भूख मरता फुटपाथ पर दुकान क के मरता रहे, तो शर्त लो हम केहू के जिताए, हम ना जीता तरह के काट दियो जी। आए अच्छा ठीक बा, बाकी ये कोनो फैक्ट्री बढ़िया खोलो। ये बताइए रउआ हिसाब से के लागल 5 साल मोदी सरकार रहल बड़े जा तो वो काम कैले बड़े कि ना बढ़िया मोदी सरकार? हाँ एको आना ना बताओ खाती कल पर बाप ना, हम रउआ से पूछते हैं। रउआ हिसाब से हम रउआ लोग के राय लेबे आइल बनी, हमरा कोई से मतलब नहीं कहे के काम कैले बा के नहीं कैले, रउआ बताए, रउआ बताए। खाली पेट में बच्चा रहता तो गर्भवती के पैसा मिलता, आ हो जाता तो पैसा मिलता, आ एगो पैखाना बनवा देले बा। अच्छा बस बस टॉयलेट बोलो, एगो पखाना बनवा देले बा, ठीक कैले बा, बात दिक्कत रख जाए के बहुत अच्छा कैले, आ गरीब लोग के कुछ पैसा देता रे घर द्वार बनता ठीक बा, आस्ते आस्ते बनेला छत, पहले सीढ़ी बनेला तब छत बनेला, आस्ते आस्ते करता रे ठीक करता रे, कोनो गलती नहीं कर, लेकिन इतना पहुँच बा जहाँ सब लोग वोट दीता हाँ दिया। रउआ के अच्छा लगता, राहुल गांधी अच्छा लगता रहे कि मोदी? मोदी कर 5 साल देख ले बनी तो लगत रहे कि अगला 5 साल भी बढ़िया काम करिए हमरा। हाँ अब कैसे कहीं गा के सुनाई कि नाच के दिखाई, जैसे कहीं जे लोग देखे रउआ देखे काशी देखी कुछ और बात सुनी, राहुल गांधी कर मौका देवे के चाहते कांग्रेस के मौका देवे सरकार के भगावे में, अंग्रेज के भगावे में क्या हमारा बाप के भला लागल बा, हमारा बाप के आँख के सामने गांधी जी मरल बड़े दिन के हमारे पैदाइश हो, इतना कष्ट सहल बलू है नु, तो राहुल गांधी और इतना दिन ही रहले नु, उतना दिन वे रहल बड़ी इंदिरा गांधी वे खानदान, वे खानदान ठीक बा। अच्छा और फिर ले आकर रखो नहीं राहुल के देखो जब 5 साल उनको मौका देना। सर, 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ भाषण देकर गए थे कि यही मोतिहारी के चीनी मिल चालू कराऊंगा और इसी मोतिहारी के चीनी का मैं चाय पी करके जाऊंगा, तो मोतिहारी के चीनी मिल के नक्शा दिखे आज तक ले कोई नहीं, कोई स्टार्ट नहीं, जीत के चलेगा बैठे हुए कुछ नहीं हुआ, मतलब केवल वादा, बस वादा, वादा के सिवा दूसरा कुछ नहीं। इस बार राहुल सरकार, राहुल गांधी, हम लोग का है कि बीजेपी का एक दब और मोदी सरकार बनना चाहिए, एक बार और। राधा मोहन सिंह यहाँ बहुत अच्छा काम किए हैं, काम तो नहीं किए मगर हम लोग को राधा मोहन सिंह से कोई मतलब नहीं, मोदी से मतलब, मोदी से मतलब है, उनका हाथ मजबूत करना है। चलिए यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ की अगर लोकल कैंडिडेट की अगर हम बात करते हैं तो लोकल कैंडिडेट से कोई खुश नहीं है, लेकिन मोदी का चेहरा देख के सबका कहना है कि एक बार उनकी सरकार बननी चाहिए। जी आपके हिसाब से 2019 में किसकी सरकार? नरेंद्र मोदी की सरकार। आपको लगता है दुकानदार वर्ग के लिए जो जीएसटी लगा, नोटबंदी हुआ, उससे कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं। इस बार फिर 5 साल नरेंद्र मोदी को? अरे जब तक जिएंगे तब तक नरेंद्र मोदी, जब तक जिएंगे तब तक नरेंद्र मोदी, मतलब बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। चलिए जी कुछ कह रहे थे, नरेंद्र मोदी इज द बेटर देन राहुल गांधी, बहुत अच्छे हैं उनसे, बहुत अच्छे हैं जी।
और 5 वर्ष देखे हम इनका शासन, बहुत अच्छा काम किए हैं और अगले 5 वर्ष के लिए भी इनको हम लोग जिताएंगे। अगले 5 वर्ष में इनको फिर जिताएंगे। राहुल गांधी को, राहुल गांधी के ऊपर हम लोग के पास कोई जगह नहीं है, इसलिए 65 साल हमारे बाप दादा और हम लोग भी देख लिए हैं। उनको एक मौका नहीं मिलना चाहिए एकदम। अब मौका नहीं, उनको नहीं मिलेगा, बहुत मौका मिला है उनको। 5 साल फिर नरेंद्र मोदी। हाँ, फिर नरेंद्र मोदी। 2019 में किसकी सरकार? अच्छा काम कर रहा है जी। और अच्छा काम करेगा। गठबंधन फेल है इस साल, महागठबंधन। महागठबंधन वो नहीं जीतेगा। मोदी जी है बहुत के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उनको जीतना है। वो 5 साल का 15 साल जीते हैं। मोदी सरकार का कौन सा काम आपको सबसे अच्छा लगा? सब काम अच्छा है उनका। आपको सबसे बेटर? हाँ, सब काम अच्छा लगा। सबसे अच्छा आपको? सबसे अच्छा ये है कि बस जो गरीब के लिए काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए अच्छा। फिर एक बार उनको मौका, फिर 15 साल। 15 साल? हाँ, 15 साल जी। आप देख रहे थे, सीधे आप मोतिहारी से जुड़े हुए हैं, मीना मार्केट से, और इधर हम चलते हैं। आपके अनुसार 2019 में किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। राहुल की? मोदी सरकार। कांग्रेस की? मोदी सरकार। मोदी सरकार। कोई काम ऐसा बताइए जो मोदी सरकार का आपको सबसे अच्छा लगा हो? सब काम अच्छा लग रहा है हमको। सबसे बेस्ट काम जो आपको अच्छा लगा हो, जिससे आप जो भी सवाल पूछ रहे हैं तो मोदी सरकार कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट काम बताए। नोटबंदी। नोटबंदी वो बेस्ट काम हुआ, और GST भी बेस्ट काम। आपको नहीं लगता व्यवसायी वर्ग डिस्टर्ब हुए नोटबंदी GST से? इतना डिस्टर्ब तो नहीं, तो इतना डिस्टर्ब इस बार भी मौका उन्हीं को देना चाहिए। चलिए इधर हम चलते हैं जी। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बार? ठीक है, ठीक है, ठीक है। किसको मौका देना चाहेंगे इस बार? सरकार तो यही मोदी सही है। मोदी ही सही है, मोदी सरकार ही सही है। लाइट सब व्यवस्था हो गया देहात में जी। सब व्यवस्था हो गया, व्यवस्था में सुधार हुआ है। आपके अनुसार 2019 में किसकी सरकार? मोदी की सरकार। मोदी की सरकार। राहुल गांधी की? नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। लगता है कि 5 साल इस बार भी मोदी को ही मौका? जीतेंगे, मोदी ही जीतेंगे। आप लोग उन्हीं को जिताएंगे एकदम। यहाँ लोकल कैंडिडेट की बात करें तो राधा मोहन सिंह के बारे में लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा काम किया है, कुछ लोग पर्सनल राधा मोहन सिंह तो व्यक्तिगत अच्छे नहीं है, लेकिन चूंकि सरकार बनानी है मोदी की, इसलिए मजबूरी है। चलिए आप देख रहे थे, यहाँ पर्सनल सरकार बनानी है इसलिए राधा मोहन सिंह को जरूरत है यहाँ की, वरना राधा मोहन सिंह यहाँ के लोकल कैंडिडेट अच्छे नहीं है। के अनुसार 2019 में किसकी सरकार होनी चाहिए? मोदी सरकार आएगी। मोदी सरकार जी। राहुल को मौका? राहुल को क्या मौका, अभी बच्चा है वो। बच्चा है? हाँ। नहीं लगता है चला पाए ना, उनसे नहीं चल पाए। तो बोले हैं आप लोग को अगर सरकार में आएंगे तो 72,000 रुपया भी देंगे। 72,000 मिलना मुश्किल है। मिलना मुश्किल है। हाँ। उनको मौका नहीं, क्या मौका? फिर 5 साल मोदी सरकार। हाँ, अभी उनको 5 साल अभी सीखना पड़ेगा। सीखना होगा, अगले बार सोचेंगे उनके बारे में। चलिए इधर बाकी जनता लोग जुड़े हुए हैं हम लोग के साथ जी। आपके अनुसार 2019 में किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी। राहुल गांधी? राहुल गांधी, इसके बाद में देखा जाएगा, इसके बाद सोचेंगे उनका। 5 साल इस बार फिर राहुल, फिर मोदी सरकार। मोदी सरकार। चलिए इधर जी बताते जाइए। मोदी सरकार। मोदी सरकार जी जी। अब आप बताना चाहेंगे 2019 में किसकी? किसकी? मोदी सरकार। मोदी सरकार। राहुल गांधी की, कांग्रेस की? नहीं नहीं, कांग्रेस को नहीं हटाना, वो तो दुर्भाग है, देश को खोखला कर दिया है। देश को खोखला किए तब उनको लाना नहीं चाहते? ना, नहीं, नहीं। मोदी सरकार को ही अगले 5 साल भी फिर चुनना चाह रहे हैं? फिर चुनना चाह रहे हैं जी जी। चलिए इधर जी कुछ बनना चाहेंगे इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। आप इस बार भी मोदी सरकार को मौका चाहेंगे जी? आपके अनुसार 2019 में किसकी सरकार? हटो ना बेटा। बीजेपी। बीजेपी जी, मतलब मोदी सरकार जी। आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी यंग हैं? यंग से मतलब नहीं ना, देश को अच्छा कर, यंग मतलब एनर्जेटिक, अच्छा काम करेंगे, ज़्यादा मेहनती हैं, सब ठीक है। एक्सपीरियंस जो है अभी नरेंद्र मोदी के पास है, इसलिए हम कहेंगे कि उनको एक बार फिर से मौका दें। GST, नोटबंदी, वो सब कुछ, वो सब है ठीक है, उससे कोई मैंने सब कुछ है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आर्थिक मुझसे कोई मैंने डिस्टर्बेंस नहीं है। नहीं, एक होता है ना कि हाँ इसे हमने बहुत आदमी को मैंने क्षति हो गया, मैंने ये कुछ नहीं है। तो किस आधार पे आपको मोदी को वोट देना चाहेंगे? देश के लिए हमने अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा काम कर, इस बार फिर उनको एक मौका दिया जाए। यहाँ लोकल जो कैंडिडेट हैं राधा मोहन सिंह, आकाश सिंह जी, उनके बारे में अच्छा काम किया है राधा मोहन सिंह? ठीक है, अच्छा काम जी। इस बार फिर मोदी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार ही जी। लगता है कि अगले 5 साल में एकदम
पूरा कॉन्फिडेंस है कि जीतेगा, संतुष्ट है यहाँ, एकदम संतुष्ट। राहुल के बारे में बात करें तो जी ना, राहुल जी की बात छोड़ दिया जाए एकदम, नहीं नहीं कुछ नहीं, मौका ही नहीं देना, नहीं मौका ही नहीं देना। अभी वो क्या करें, अभी अभी जो इच्छा करे सो करें, लेकिन मेरे तरफ से मोदी सरकार, मोदी सरकार जी जी। चलिए इधर चलते हैं जी, बताना चाहेंगे इस बार किस किस मोदी सरकार, मोदी सरकार संतुष्ट है, मोदी सरकार इस बार भी 5 साल अच्छे काम करेंगे जी, आप बताना चाहेंगे? मोदी 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 जी, किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं इस बार? मोदी के, मोदी हाँ। राहुल के, राहुल गांधी के ना, ना। 2019 में आपके हिसाब से किसकी सरकार? मोदी जी का। अच्छा काम किए हैं? एकदम अच्छा काम किए, देश का नाम रोशन किए हैं, देश का नाम रोशन किए हैं। आपका नाम, आप लोग का नाम, आप लोग का काम किए हैं? हाँ हाँ, बहुत काम हुआ है, देश का काम हुआ है, हमारा काम का देश का काम हुआ, देश का काम हुआ। राहुल गांधी की बात करें तो सब गलत आदमी है, सब गलत आदमी है, सब गलत आदमी है, उनको मौका नहीं देना। ना ना, वही तो समस्या हिंदुस्तान पर ला दिया, कांग्रेस सरकार का देन है हिंदुस्तान पर समस्या, हिंदुस्तान फंसा हुआ, कांग्रेस का देन, कांग्रेस का देन, मतलब फिर 5 साल मोदी सरकार, अभी और 10 साल और मोदी सरकार, 10 साल और मोदी सरकार, 10 साल और। चलिए आप देख रहे थे सीधे, आप मोतिहारी से, मीना मार्केट से, छोटे व्यवसायी बड़े व्यवसायी सबका राय आपने सुना, किसी का कहना है कि मोदी सरकार, और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं राहुल गांधी आएंगे तो अच्छा काम करेंगे। तो आप देख रहे थे यहाँ से लोगों का व्यू, तो बने रहें अपना लाइव डॉट न्यूज़ के साथ, मिलते हैं अगले चुनाव यात्रा में किसी दूसरे जगह से, तो बने रहें अपना लाइव डॉट न्यूज़ के साथ, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।